वीटो पावर मिलते ही पीएम मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न। अमेरिका पहुंचते ही पीएम मोदी जी ने वीटो के बिल पर किया साइन। पीएम मोदी जी के 3 मिनट के भाषण ने पूरे यूएनएससी को मंत्रमुग्ध कर लिया। एक के बाद एक 193 देशों में से 180 देशों ने वीटो पेपर पर किया साइन। अपनी हार मानते हुए चीन ने भी भारत के वीटो पर लगा दी अपनी मोहर। यूएनएससी के अंदर अपनी बेइज्जती को चीन नहीं कर सका, सहन और छोर भागा। यूएनएससी के इतिहास में पहली बार भारत के वीटो के रास्ते में कोई नहीं बचा, अब रो रहा। दोस्तों, भारत के दशकों पुराने इतिहास के सुनहरे पन्नों में भारत का नाम अब जुड़ा चुका है। अब भारत को ऐसी पावर मिल चुकी है जिसका इंतजार भारत कई सालों से कर रहा था। कई नेता आए गए, लेकिन जो पीएम मोदी जी ने कर दिखाया है उसको कर पाना और लोगों के लिए नामुमकिन बना हुआ। भारत ने आज वह इतिहास रच दिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो चुकी है। भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली महाशक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ चुका है। इस समय भारत ने वह गोल्ड अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर ली है जिसका इंतजार भारत कई दशकों से कर रहा था। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर पहुंचते ही भारत ने अपने विश्व गुरु की कुर्सी को दोबारा से ग्रहण कर लिया है और इस अहम मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विश्व गुरु के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सभा में अपनी दहाड़ लगाते हुए दुनिया के कई देशों को संबोधित किया, जिसके बाद पूरा संयुक्त राष्ट्र सभा मोदी जी के नारों से गूंज उठा। स्विंगल स्थायी सदस्यता मिलते ही भारत ने दुनिया के कई देशों को कुछ ही सेकंड के अंदर खरी चेतावनी दे डाली है, जिसमें कुल मिलाकर के 12 देश शामिल हैं, जिन्हें भारत ने अपने रडार पर ले लिया है। लेकिन दोस्तों, भारत को यह जो स्थायी सदस्यता मिली है यह आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए भारत को बड़े पापर बेलने पड़े हैं, तब जाकर भारत के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए दो देशों ने पूरे यूनाइटेड नेशन से लड़ने को तैयार हो गए थे, और वह देश और कोई नहीं, अमेरिका और भारत का सबसे करीबी मित्र रूस है। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अमेरिका और रूस का भारत के प्रति इस तरह समर्थन करना चीन को हिलाकर रख दिया है। इस समय चीन को बड़ी मिर्ची लग चुकी है, यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते चीन ने अपना बोरिया बिस्तर बटोर कर अब यूनाइटेड नेशन को हमेशा के लिए छोड़कर जाने को तैयार हो गया है। तो वहीं पाकिस्तान के डेलीगेट्स को भारत ने इस कदर लतारा है कि इसके बारे में आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। और अब इस वीडियो के अंदर आपको भारत के ऐसी ताकत के बारे में पता चलने वाला है कि किस तरह से स्थायी सदस्यता पाने के साथ ही दुनिया भर में भारत ने अपने परचम को लहराया है। भारत अमेरिका की सर जमीन पर कदम रखने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले ही भारत ने अपने करीबी मित्र रूस से भी मुलाकात की है, और जैसे ही भारत ने अपना कदम यूनाइटेड नेशन में रखा वैसे ही संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित सबने भारत का भव्य स्वागत किया है। इसी के साथ ही अब भारत वीटो पावर वाला देश बन चुका है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया, यहां तक कि दुनिया भर के लगभग 180 देश बड़ी बेसब्र से कर रहे थे, जिनका प्रतिनिधित्व अब यूनाइटेड नेशन में भारत करने जा रहा है। दोस्तों, इस समय चीन को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि चीन किस कदर से भारत के लिए गड्ढा खोद करके बैठा था, और वही कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ ही तुर्की और ईरान जैसे देशों को अमेरिका ने जिस तरह से लपेटा है वह बात यह देश कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती की वह मिसाल पेश कर दी है जिसको लेकर के पूरी दुनिया को अब तक शक था। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ भारत को लेकर के जो सबसे से अहम खबर सामने आई थी कि भारत के अजीत डोभाल को लेकर के समन अमेरिका ने जारी किया था, उसको लेकर भी अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बहुत बड़ी बात कही है। तो क्या कहा है, भारत ने किस तरह से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है, पूरी खबर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ये आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मेन खबर इस समय संयुक्त राष्ट्र सभा में पीएम मोदी जी की स्पीच सुनने के बाद पूरी दुनिया गदगद हो चुकी है। तो वहीं दुनिया के कुछ देशों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है
कि अब उन्हें लग रहा है कि वह ना घर के हैं ना घाट के। अब उन्हें लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। अगर अपनी इज्जत को बचाना है तो इस यूनाइटेड नेशन से बिना कुछ बोले हुए चले जाना ही बहादुरी है दोस्तों। यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि इनमें से कई मुस्लिम देश भी शामिल है, और यह ऐसे वैसे मुस्लिम देश नहीं है बल्कि इनमें से कई मुस्लिम देशों का भारत के साथ पहले संबंध बेहतर भी था, लेकिन भारत के संयुक्त राष्ट्र सभा में पहुंचने के साथ ही इन देशों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो वहीं चीन को कुछ इस कदर से मिर्ची लगी है कि चीन अब भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर के जो बोला है, और भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर कि चीन ने जो जहर उगला है, उसे सुनने के बाद एक छोटा बच्चा भी चीन के मंसूबे को बेहतर से समझ जाएगा। बता दें कि चीन के डेलीगेट्स ने यह बात कहते हुए कहा है कि क्वाड उन देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया में फूट डालो और राज करो ऐसी पॉलिसी पर काम करते हैं। लेकिन पीएम मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि चीन के सारे अकल ठिकाने आ गए हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर उसकी बोलती पूरी तरह से मोदी जी ने बंद कर दी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत की एंट्री किसी देश के साथ प्रतिशोध के लिए नहीं है, ना ही किसी देश को नीचा दिखाने के लिए है, बल्कि भारत पूरी दुनिया को एक साथ अपना परिवार मानते हुए, उसके भले बुरे के बारे में सोचते हुए सबको बराबरी का स्थान देता है, और भारत की जो पॉलिसी है वसुदेव कुटुंबकम, इसको भली भांति पूरी दुनिया पर लागू करता है। दोस्तों, पीएम मोदी जी का भाषण सुनने के बाद दुनिया के तमाम देशों में हलचल मच चुकी है। बता दें कि दुनिया के तमाम देशों में भारत ने उन मुस्लिम देशों को सीधा अपने रडार पर लिया है जो पीओके के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी ने इन देशों को कड़ी धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान जैसा देश जो हमेशा गलत ही साबित हुआ है, अगर आप उसका सपोर्ट करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं गलत ही माने जाएंगे। आगे पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि भारत सबके साथ सबके विकास में भरपूर योगदान देने के लिए हर समय खड़ा रहेगा और सबकी अच्छाई के लिए यूनाइटेड नेशन में अब आगे काम करने वाला है। और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ करते हुए, भारत का भव्य स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का यूनाइटेड नेशन के अंदर स्वागत है। हमारे नए मेंबर्स के लिए एक नई कुर्सी मुबारक हो, यानी कि भारत के लिए वह छठी कुर्सी की व्यवस्था अब यूनाइटेड नेशन में हो चुकी है, जिसका इंतजार खुद भारत लंबे अरसे से कर रहा है और जिस पर हमेशा चीन के वीटो की वजह से रुकावट बनती थी, लेकिन अब वह रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। चीन के नियमों को पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, चीन के वीटो को ताक पर रखते हुए यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के स्थायी सदस्यता के लिए एंट्री सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इसके अलावा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद पर भारत ने कहा कि हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस विवाद को विराम मिले, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो, और उम्मीद है इसराइल इसमें हमारा साथ जरूर देगा। वही खबर यह भी आ रही है कि इसराइल ने भारत के सारे फैसलों को सिर आंखों पर लिया है। इससे यही साबित होता है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कितनी ताकत है, उनका एक शब्द किसको की तरह से पूरी तरह से बदल सकता है। आज यह यूनाइटेड नेशन में साबित हो गया है। भारत के पीएम मोदी जी ने अब एक बार फिर से विश्व गुरु की कुर्सी पर विराजमान होते हुए पूरी दुनिया को समझाया है कि इस कुर्सी का असली मतलब क्या होता है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझाते हुए कहा कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उनमें घी डालने का काम नहीं करना चाहिए, सिंगल कैन यून द शोन को समझाना चाहिए ताकि उनके बीच जल्द से जल्द शांति स्थापित हो सके। लेकिन यह बात चीन, ईरान और तुर्की जैसे देशों को गवारा नहीं जाता, उन्हें किसी भी हालत में यह शोभा नहीं देता, क्योंकि यह देश कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई देश शांति में रहे। यह देश दूसरे देशों को लड़ाते रहते हैं क्योंकि इससे इनका फायदा है, उनके बीच घुसकर ये अपनी रोटी सकते हैं, उनके बिजनेस करने का यही फंडा है।
भारत के कि पीएम मोदी जी ने अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब दुनिया के कई देशों के साथ वह सबमिट करने जा रहे हैं और इन फ्यूचर पीएम मोदी जी कई बड़ी चीजों को लेकर भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से भारत के पीएम मोदी जी के ऊपर टिक चुकी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अमेरिका की धरती पर अपना कदम रखा, उसके साथ उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा उद्घाटन कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में सर्वाइकल कैंसर को लेकर के सबसे अहम बात रखी है। इसके बाद जो बाइडन ने पीएम मोदी जी को गले लगाते हुए शाबाशी दी है और जो बाएं की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि उनका बेटा खुद सर्वाइकल कैंसर से जूझ चुका था और भारत की तरफ से उठाई गई यह मुहिम उन्हें कहीं ना कहीं खुद से रिलेट कर रही है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि भारत का ओहदा पूरी दुनिया में कितना बढ़ चुका है। पूरी दुनिया मोदी जी को अपना मसीहा मान चुकी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें। मिलते हैं किसी और नॉलेजबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।